नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स में। जैसा कि आप लोग मेरे पिछले वीडियो में जानना चाह रहे थे कि ये बूचा स्टोरी जो वायरल हुई है, तो इसकी कहानी किसने लिखी है और किस तरह से इसका प्रोसेस रहा है। जैसा कि आप लोगों का कमेंट आया था कि ये कहानी आप लोगों को इतनी अच्छी लगी है कि आप लोगों के दिल को छू गई, और कई सारे कमेंट्स मैंने पढ़े थे जिसमें कुछ लोगों ने लिखा था कि इस फिल्म को देखने के बाद मैं बहुत रोई, या इस फिल्म को देखने के बाद मेरे पास शब्द नहीं थे कुछ कहने के लिए, उन्हें इतनी अच्छी लगी फिल्म। कई लोग जानना चाहते थे कि इस फिल्म के लेखक कौन है। तो इस कहानी को मैंने खुद लिखा है और इसका भी एक प्रोसेस है, इसकी भी एक जर्नी है। एक्चुअली बूचा फिल्म लिखने से पहले मैं कई सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखा करता था। उन्हीं में से एक स्टोरी थी मेरी जिसका नाम था बायोस्कोप वाला। तो जब मैं छोटा था, गर्मी छुट्टियों में जब वहाँ जाया करता था अपने गांव, तो वहाँ पे कई सारे छोटे बच्चों में एक बच्चा था जिसका नाम था बूचा, और वह एक अनाथ बच्चा था। जो बच्चा है बूचा, और पहले पैसे जल्दी मिलते नहीं थे बच्चों को। उस समय अनाज गांव में जो अनाज होते हैं जैसे धान, गेहूं, चावल, तो उनको ही दुकानों में बेचकर बच्चे लोग उससे कुछ बिस्किट मिल गया, कभी कुछ चॉकलेट मिल गया, इस तरह की कुछ चीज़ें वो लोग लेकर खाया करते थे। तो पहले चाहे कुछ भी बायोस्कोप वाला आए, तो एक दौर था उस टाइम पे, बायोस्कोप वाला बायोस्कोप दिखाने आया करता था। अब तो सारी चीज़ें लुप्त हो गई है, शायद कदुका हो सकता है कि कहीं पे आज भी हो, लेकिन अब ना के बराबर है। तो मैंने ये बूचा जो है फिल्म का टाइटल मैंने वहाँ से उठाया, उस बच्चे का नाम से। तो मैं उस बच्चे से काफ़ी प्रभावित हुआ जब मैं जाता था, उसको देखता था। तो मेरे दिमाग में था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा इस बच्चे के ऊपर जरूर मतलब एक फिल्म जरूर बनाऊंगा। जो मैंने बायोस्कोप वाला स्टोरी लिखी थी उसमें इस बूचा के कैरेक्टर को मर्ज किया। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि शॉर्ट स्टोरी जो होती है आप उस पर पूरी फिल्म तो बना नहीं सकते, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी तो बहुत ही छोटी होती है। अब उसको फिल्म के रूप में अगर उसको कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए काफ़ी ताना बाना बुनना पड़ता है। तो मैंने उस शॉर्ट स्टोरीज को एक फिल्म का रूप दिया और कई सारे कैरेक्टर्स उसमें डाले, उसके बाद उसको स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट किया। तो एक प्रोसेस होता है, अगर आप शॉर्ट स्टोरीज वगैरह अगर आप लिखते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है उसको स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करना, क्योंकि बेसिक एक रफली आपको आइडिया आ जाता है कि कैसे एक स्टोरी लिखी जाती है, कैसे उसकी बिगनिंग होती है, कैसे उसकी एंडिंग होती है। तो काफ़ी हेल्प करता है। स्टोरी में एक डेप्थ आनी चाहिए, और वो तब होती है जब उसमें आप समय देते हैं। ज़्यादा समय नहीं देंगे तो स्टोरी फ्लैट रहेगी, उसमें वो डेप्थ नहीं आ पाएगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी प्रोसेस है कि स्क्रीन प्ले डेवलपमेंट का, उसको आप फॉलो करते जाइए और उसमें समय दीजिए, तब जाकर उसमें एक गहराई आएगा। और गहराई जो आएगा तो फिर लोग कनेक्ट करेंगे और वो पसंद करेंगे, जैसे मेरी फिल्म के साथ हुआ है। लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। तो इसकी वजह यही है कि इसको लिखने में, जैसे मैंने बताया था आपको कि 1.5 से 2.5 साल मुझे लगे इसको लिखने में। आप लिखने के लिए तो 4-5 महीने में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें वो डेप्थ नहीं आ पाएगी। एक अच्छी स्क्रिप्ट जो है वो एक अच्छा खासा समय लेता है, तब जाकर वो एक बढ़िया सिनेमा बनता है और लोगों को काफ़ी पसंद आती है। तो उम्मीद है कि जो आप जानना चाह रहे थे कि ये फिल्म किसने लिखी, कैसे बनी, तो वो प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। और अगर आप लोग और डिटेल में जानना चाहते हैं कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, स्टोरी कैसे लिखी जाती है, या किस स्टोरी को स्क्रीन प्ले में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या कोई आइडिया को कैसे उसको इलेबोरेट करते हैं, क्या प्रोसेस होता है,
तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं, तो मैं उस पर भी एक वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। तो ये थी मेरी फिल्म बूचा लिखने की एक जर्नी, कहाँ से ये आइडिया जो आया था, इसका ओरिजिन क्या था, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। मेरी बूचा फिल्म की जो जर्नी रही है, आने वाले वीडियोज़ में मैं अपने अनुभव को आपसे साझा करता रहूँगा। धन्यवाद।